मशहूर टीवी अदाकारा फलकनाज एक निजी कार्यक्रम के लिए आज इंदौर आई। इस दौरान उन्होंने फिल्म और टेलीविजन जगत की बातें मीडिया से साझा की। साथ ही कार्यक्रम में आए कई उभरते हुए कलाकारों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। मॉडल अभिनेत्री फलकनाज ने बताया कि सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं वो सभी अपनी फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट के साथ आएं, क्योंकि ये वर्क बहुत मेहनत का होता है। अगर पेरेंट्स माने तो ही इस फील्ड में आएं। वहीं अपने द्वारा निभाए गए टीवी सीरियल की जानकारी देते पत्रकार से कहा कि वर्तमान में चल रहे भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में निभाई भूमिका अकबर की पत्नी का रुकैया बेगम के किरदार को अपने लिए चुनौतीपूर्ण माना, लेकिन बहुत ही अच्छा चरित्र निभाया। साथ ही इंदौर में खाने पीने के सवाल पर हंसते हुए कहा कि समय की कमी के चलते इंदौर शहर में कुछ भी खा नहीं पाऊंगी, इंदौर की केवल हवा खाकर ही वापस जाऊंगी। साथ ही स्वच्छता में देश में चौथी बार नंबर इंदौर बनाने पर अदाकार फलक ने कहा कि एयरपोर्ट से निकलते समय शहर को देखा, यहाँ सफाई का बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है। वहीं समय की कमी के चलते पूरा शहर नहीं घूमने का मलाल जरूर रहेगा। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं, आई होप कि उनकी फैमिली उनके सपोर्ट में हो, बिकॉज विदाउट फैमिली के सपोर्ट के इट्स रियली हार्ड टू यू नो एंटर एंड हैंडल दिस वर्क एक्चुअली। सो मैं यही बोलूँगी सभी पेरेंट्स से कि अगर आपके बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनका साथ दीजिए, और अगर बच्चों के पेरेंट्स इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं तो उनको मनाएं और तभी इधर आए, वरना ना आए। आप टीवी सीरियलों में, बहुत से सीरियलों में आप काम कर चुकी है, आपने अभी महाराणा प्रताप के सीरियल में भी रुकैया बेगम का जो किरदार निभा रही है, कितना चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल? मैंने रुकैया काफ़ी पहले किया था और बहुत कम टाइम के लिए था, बट काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था रुकैया का, एंड मैंने काफ़ी सारे मायथोस किए हैं और हर मायथो कैरेक्टर की एक अलग जर्नी होती है, तो मुझे अच्छा लगता है वो सारे रोल्स प्ले करना और अच्छे एक्सपीरियंस रहे। आज आप इंदौर में आई हैं, इंदौर खाने पीने का शौकीन शहर है, तो आप आज कहाँ जाएंगे और क्या खाना पसंद करेंगे इंदौर की? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कट टू कट टाइमिंग के लिए आई हूँ। मैं इंदौर के पास हवा खा के जा रही हूँ। इंदौर शहर हमेशा चार बार पांच बार नंबर वन पर सफाई में रहा और सभी उसमें रहा, तो इंदौर मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। मैं एयरपोर्ट से होटल में आई और मैं कॉन्स्टेंटली रुचि के साथ थी और मैं सिर्फ बाहर देख रही थी, बिकॉज आई वॉज रियली लाइकिंग दिस सिटी। बहुत साफ सुथरा है और बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा। आई विश कि मैं पूरा घूम पाती ठीक से, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मे बी। फ्यूचर अपना सेट करने के लिए, जैसे कि उनका फ़ोटो शूट वगैरह और आगे प्लेटफॉर्म बना उनके लिए प्लेटफॉर्म जो है ना आगे जनरेट हो एक उनका मीडिया में और उसमें मॉडलिंग में, तो उसके लिए एक असाइनमेंट टाइप्स रखा है हम लोगों ने। तो बस बच्चे कहाँ कहाँ से और किस तरह से इनको टिप्स दी जा रही है? बच्चों को टिप्स तो नहीं दी जा रही है, बट ये है कि उनका फ़ोटो शूट करके एक उनका पोर्टफोलियो जो है ना वो जनरेट किया जा रहा है, तो आगे जो भी हम लोग जैसे कि आगे कुछ वेब सीरीज़ या फिर जैसे कि एल्बम्स वगैरह जो भी रहेगा तो उसमें उनको आने का मौका मिलेगा। आपका नाम? ऋचा शर्मा।